इंसान की पैदाइश के बाद उसके तकदीर के हर पहलू खुलने लगते हैं। अमीरी, गरीबी, इज्जत, जिल्लत, शाही, फकीरी, सेहत, बीमारी, ये सब तो खुदादाद अता की जाने वाली नेमतें हैं, मगर इन सब से अलग है तो वो है फितरी एहसास। जरा अपनी आंखें और कान खोल कर ये सुन लें, फिर खुदा के दरबार में शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह ने आपको इन सब से महफूज रखा है। हमारे शौहर को मुंह का कैंसर हुआ, एक साल से है, उनको कोई भी ऐसा करने वाले कोई भी नहीं है। वो एक जेनेस थे घर में, बच्चा भी पढ़ने वाला है, बच्चियां भी है, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं। अभी डॉक्टर तो कुछ भी नहीं चल रहा, ट्रीटमेंट चलते रहें तो बोल के दे रहे दवाएं। हुए तो ये वो मरीज हैं जो क्रॉनिक डिसीज में मुबतला हैं, जिसमें कुछ कैंसर जैसे मोजी मर्ज से गुजर रहे हैं, कोई गुर्दों की खराबी तो कोई पैरालिसिस स्ट्रोक। सितम तो ये है कि ये बीमार भी हैं, गरीब भी और मजबूर भी। अब ये उनकी बीमारी का इलाज करवाने के लिए पैसा कमाएं या फिर अहले खाना की कफालत के लिए। ये वो इज्जतदार लोग हैं जिनको बीमारी में मर जाना तो मंजूर है, मगर किसी के आगे हाथ फैलाना गवारा नहीं, क्योंकि इज्जत नफ्स इज्जतदारों के लिए जान से भी ज़्यादा अजीज होती है। मैं एक कोलोन कैंसर का पेशेंट हूँ। ये मर्ज़ होने के बाद मेरे को जो है फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मेरी फैमिली है, मेरे दो लड़के हैं, दो लड़कियाँ हैं, तो ये तमाम चीज़ें लेकर के जो है मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से रुजू हुआ, वहाँ पर मेरी इमदाद की गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे को एक कलोस्टमी बैग लगा है, ये महीना 6-7 हज़ार रुपये बैग के लग जाते हैं। इसे मेरे को हर हफ्ते में एक मरतबा चेंज करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें लेकर वहाँ जाने के बाद मेरे को जो है वहाँ से ताउन हुआ, अब तक हो रहा है। ये लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे को साथ दिए, अल्लाह इन लोगों को अजर अजीम अता फरमाए। यकीन जानिए समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हाल हैं, मुफलिसी का शिकार हैं। बीमारी वो गरीबी ने ऐसी कमंदें डाल रखी हैं कि अब ना इलाज करवा सकते हैं ना पेट भर खा सकते हैं, और ऐसे लोगों की तलाश कर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने इन दरवाज़ों पर दस्तक दी और उनसे उनके अहवाल के बाद उनको इस यकीन व हिम्मत के साथ कि वो सेहतयाब हो जाएंगे उनकी मदद को आगे आते हुए उनके इलाज के अलावा उनके अखराजात की भी तकमील कर रहा है। इनको ब्लड कैंसर हो गया सो है, और इन्हों कमाने वाले घर में बैठे हुए 4 साल से एम्पिनेंट वाले कर रहे हैं हम लोग को हेल्प। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हम अगती तो हेल्प कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड वाले 5 महीने से दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे बोल के बोले लोग। मुतवस्सित तबके के लोग हैं जहां इनका गुजर बसर यौमिया कमाई पर मुनहसिर होता है, और जब कमाने वाले ही बिस्तर पर पड़ जाएं तो कौन उनकी जरूरियात को पूरा करेगा। इस मामले में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने इनकी जरूरियात को पूरा किया। मुस्ताहक लोगों के सर्वे के बाद हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने ऐसे 150 से ज़ायद क्रॉनिक डिसीज के मरीजों को जो कि किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते थे, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने मदद की और लाखों रुपये खर्च करते हुए इनको राहत पहुंचाने की एक कोशिश भी की। ये सब हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को अपने ज़कात, अतियात वगैरह की इमदाद से मुमकिन हो रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोगों की मदद के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन अहले खैर हजरात से इल्तिमास कर रहा है, अपील कर रहा है कि अपनी अतियात व ज़कात इन मुस्ताहक लोगों तक पहुंचाएं जो किसी के सामने दस्ते गिरेबान नहीं होते। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ये अपील कर रहा है कि अपनी इमदाद के ज़रिए उम्मत के गरीब मफलूकुल हाल बीमारों की मदद करते हुए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन को मजबूत बनाएं। मदद करने के लिए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के अकाउंट नंबर पर अपनी इमदाद इरसाल कर सकते हैं।